आज पप्पू यादव की गिरफ्तारी, श्री नीतीश कुमार जी जो स्टेपनी बाबू हैं उनकी हरकत ये शर्मसार करती है। पप्पू यादव ने मानवता के लिए लोगों को दुख को दर्द को अपने साथ सहकार करके लोगों को ऑक्सीजन दवा हॉस्पिटल में बेड शमशान में लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था करने का काम किया। उस पप्पू यादव ने जिसने सरकार की जो नीति है और कहती है कहना कुछ और करना कुछ कि हम काम करते हैं कानून का, हम किसी को बचाते नहीं किसी को छोड़ते नहीं, तो क्या हुआ, पप्पू यादव जी ने एक सांसद के घर पर जाकर के छापेमारी की और जो संसदीय विकास योजना से जो एम्बुलेंस लिया गया था उस एम्बुलेंस का भंडाफोड़ करने का काम किया। कहाँ है वहां के जिलाधिकारी, कहाँ है वहां की योजना पदाधिकारी? नीतीश कुमार जी कुछ तो शर्म करिए, जयप्रकाश जी का नाम लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। और शर्मसार आप हो गए हैं क्योंकि आपने स्टेपनी बाबू के रूप में जो आपको बनाया गया स्टेपनी, आपने सही रूप में स्टेपनी का काम किया है। आप अगर जरा सा भी जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धा रखते हैं तो आपको प्रायश्चित करना चाहिए और पप्पू यादव जी को गिरफ्तारी से हटा करके कर उनको रिहाई करना चाहिए और आप इसके लिए माफी मांगिए जनता के बीच में कि एक जो मानवता का पुजारी है उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं और जो चोर है जो तरह से भ्रष्टाचार करने का काम किया जमाखोरी करने का काम किया उसको आप मेवा देने का काम उसको आप बचाने का काम कर रहे हैं। यही है आपका कानून का राज। कानून का राज इस तरह से नहीं होता है। आप एक तरफ कहते हैं हमारे लोग सहायक हैं वो लोग जनता की दर्द को झेल रहे हैं और जनता के दर्द को सुलझाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लोग क्या कर रहे हैं ये बात साबित होती है। इसलिए अगर थोड़ी भी लज्जा बची है, थोड़ी भी आपके मन में आपके मस्तिष्क में आपके दिल में हया है, अगर आप समाजवादी कहते हैं तो समाजवाद की जरा सा भी बू आप में अंदर है तो आपको पप्पू यादव को छोड़ कर करके उनको रिहाई कर करके आप प्रायश्चित करने का काम करिए।